हाँ तो दोस्तों, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आया और ये इधर बछिया वगैरह बंधी हुई है। 8 बजे तक चले आऊँगा मैं। और ये इधर इससे पीछे भी माल उतर गया, अभी देखते हैं, थोड़ा सा माल वगैरह चेक करते हैं और होता तो इसके रेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता है। हाँ तो दोस्तों, ये एक भाई है कश्मीर वाले जिनका मैंने पिछले साल भी माल की वीडियो बनाई थी और इस साल भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, नाम बता दो भाई अपना। अली भाई। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं इनकी पिछले साल वाली वीडियो का भी लिंक अटैच कर दूंगा। इस साल भी ये टोटल बच्चियां लेकर आए। अली भाई, टोटल बच्चियां लाए हो इस बार भी? सारे बच्चे, सारी बच्चियां क्यों लाते हो? बच्चियां जल्दी बिक जाता फिर कराची में? पिछली बार तो सबसे ऊंचा बम 5.5 लाख का फाड़ा था, इस बार कितने का फाड़ लो? 6.5, 6.5, 1 लाख रुपए हर साल बढ़ा, हर साल बढ़ाते 1 लाख। और कम से कम कितने का लाए हो फिर? कम से कम 3, 3.5, 3 साढ़े तीन। तो फिर दिखाओ थोड़ा माल वाल, दिखाओ अपना। अच्छा ये बता दो, तो सबसे छोटे से दिखाना शुरू करो, सबसे छोटा कहाँ पे बांधा हुआ तुमने अपनी बच्चिया? ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये कितने का? ये 3.40 तक पहुंच जाए। 3.40 दांतों के अंदर ये 2 है और 3.40 मांग रहे हो जी, जी। और अच्छा, इसमें कमोबेश कितनी कर दोगे? 10-5 हजार या जब खरीदार आएगा जब जी, जी। बाकी ये जो सारे बछिया खड़ी हुई है ये 3.5 से ऊपर, ये 3.5 से ऊपर है जी, जी। और ये जो लाल भार बांधी हुई है ये भी इतने में होगा, 3.40, 3.30। अच्छा दांतों को बता दो, इसमें से सारी बछिया कितने दांत है? 2 दांत है या 4 दांत है? सबसे ज्यादा 2 है, 4-2 के दरमियान है, 4-2 के दरमियान है। बाकी ये जो सारी बंधी हुई है, अब जैसे कि इसमें ये ब्लैक वाली नजर आ रही है, काली वाली, इसके कितने पैसे मांग रहे हो? ये 5.5, ये 5.5 का। और ये जो चितकबरी बंधी हुई है ये वाला, ये 6.5, ये 6.5 जी, जी। अच्छा जो इसके पीछे बंधी हुई है ये 5.5, ये 5.5। इसमें ये जो सबसे भारी बच्चा है वजन में कितनी होगी यार, ये तो बताओ ये अली भाई। सबसे भारी बच्चा वो है 8-9 मन से ऊपर है, 8-9 मन की। चलो सबसे भारी वाली दिखाओ अपनी जी, जी। ये पीछे वाली भी आपकी है? ये भी हमारा। ये माल बताओ ये कितने का? ये वाला जो बछिया खड़ा हुआ दाना, 4.5, 4.5 का। दांतों में 4.5 लाख। और ये अपने कुछ बड़ी बछियों की तरफ लेकर आए, बड़ी बछड़ियों की तरफ। अच्छा इस बछड़ी के बताया कितने पैसे मांग रहे हो? कितने? 6.5 लाख ये बछड़ी के। इसके भी 6.5 लाख, ये 9.5 लाख, ये 9.5 लाख रुपए सबसे बड़ी ये है। सबसे बड़ी दांतों में कितनी और वजन में कितनी? 2-3 के दरमियान है, 4 पूरा नहीं। ये यानी के तीसरा दांत इसने तोड़ दिया? हाँ तोड़ दिया। और वजन के अंदर? वजन 9 मन से ऊपर, 8। अच्छा इसके जो 9.5 लाख रुपए मांग रहे हो, तो जब खरीदार आएंगे तो क्या मोहब्बत कर दोगे? 6.5 तक हो जाएगा, 6.5 तक हो जाएगा। और बाकी ये जो इस वाली बछिया के है, इसके भी जब खरीदार आएगा तो कम पेश हो जाएगी? 5.5, 5.5, 6.5। इस बछिया के आप जो डिमांड करी है आपने वो 9.5, और जो देने वाले हैं वो आपने जो वीडियो में बताया है 6.5 से ऊपर, 6 से बिल्कुल ऊपर जाएगी, बिल्कुल इन्होंने जायज़ बात करी है। और इस वाली बछिया के भी ऐसा ही है, मांगे इन्होंने 6.5 है, बाकी जब आएंगे बंदा तो फिर कम पेश हो जाएगी, हो जाएगी। वजन के अंदर आपने ये बताई तकरीबन ये 9 मन है। और ये जो इसके पीछे वाली है कौन सा वाला? ये वाला, ये भी 5 मन से ज्यादा, 5 मन से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है ये 5 मन से। और जो इसके इधर खड़ी है ये भी ऐसे ही है 5 मन के नजदीक। ये लाल, ये 2 दांत है लाल वाला, ये 2 है, वो 2 है, दांतों में 2-2 दांत है, ये दांतों में 2-2 दांत है। और वजन के अंदर जो है ये तकरीबन 5.5-6 मन उतरेगी, बाकी ये दोनों जो है तकरीबन 5-5 मन के करीब उतरेंगी। और इसी तरीके से ये जो लाल साहिवाल बछड़ी, बिल्कुल। अच्छा ये जो उधर ये जो चितकबरी बछड़ी बंधी हुई है, इसके पैसे क्या मांग रहे हो? ये 5.5, ये 5.5 मांग रहे हो। इसके दांतों के अंदर कितनी है? ये 2 है, दांतों के अंदर 2 है, बाकी जो खरीदार आएगा वो कमी पैसे पर इज्जत हो जाए। इस मरतबा कोई नुकरी वुकरी बछड़ी नहीं लाए? ये दाजल नस्ल पाला है, ये दाजल नस्ल पाला है, दाजल नस्ल। तो सबसे ऊपर है माशाल्लाह, बिल्कुल वो तो नजर आ रहा है बछड़ी। और अभी जो है उस वो 4 दांत हो रही है, 4 दांत भी नहीं हुई, 4 दांत पूरा नहीं है, 4 दांत में अभी शामिल हो रही है, बिल्कुल शामिल हो रही है। और अली भाई अपना नंबर बता दो। 0313-8860-880-880-00। ये मोहम्मद अली भाई हैं भाई, इन्होंने पिछले साल भी हमसे वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह से बछिया लाए थे, इन्होंने काफ़ी मोहब्बत करी थी रेटों में, और अभी भी अली भाई का यही हिसाब है, बिल्कुल इन्होंने अपनी मोहब्बत के साथ साथ
जानवरों की डिमांड भी बताइए, और मेरी वीडियो के अंदर इन्होंने ऐसे रेट भी बताए कि बस ये जिसपे सौदा इनका नज़दीक नज़दीक बनेगा। अब ठीक है अली भाई, फिर जो हमारी तरफ से आए फिर उनका फिर ख़ास ख्याल रखना। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया था। दोस्तों ये देख ले भाई, ये माशाल्लाह सैटरडे की शाम है, हफ्ते की शाम है, और ये मंडी के अंदर रश पब्लिक का, ये सब खड़े हुए, ये पब्लिक का रश, भरपूर रश है। और जो मेरे एक भाई वीडियो की जो भाई भाई जो व्यापारी भाई भाई मुझसे रबते में है, और वो कह रहे हैं कि यार पिछले साल की तरह इस साल भी ना हो, मंडी के अंदर ख़रीदार नहीं आ रहा, तो मैं उनको दिखा दे दोगे भाई। शुरुआत ही देख लो आप, ऐसी हुई है माशाल्लाह से मंडी के अंदर, शुरुआत ही के अंदर भरपूर लोग आ रहे हैं। तो आप लोग आए, पिछले साल जो था वो नया साल था, 50% आवाम को पता ही नहीं था कि मंडी इधर चेंज हो गई है। अब जैसे जैसे साल ऊपर होते जाएंगे, 2-3-4 साल मंडी पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे ख़रीदारों का रश भी बढ़ता जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये थी आज की मंडी की अपडेट, और इसी के साथ आज की वीडियो को भी करते हैं एंड। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।